राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कुल्हेड़ी में एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल 13 वर्षीय मंतसा पुत्री अनीश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है किशोरी की हालत तड़के खराब हो गई थी। हमने उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीणों की माने तो 13 वर्षीय किशोरी मंतसा ने किसी दवाई का सेवन कर लिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई और किशोरी की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम एहतिशाम राणा है। क्या हुआ पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि नाबालिग बच्ची है और रात को ये इंतकाल हो गया और बड़ा खुदकुशी का क्या है मामला तो अभी खुल के नहीं आया, लेकिन संदिग्ध हालात में बच्ची मिली है। डॉक्टर के ले गए थे, डॉक्टर ने मृतक घोषित किया। गांव के सभी लोग। कितनी उम्र है मृतक की? लगभग 13 या 14 साल लगभग उम्र होगी। क्या कारण होगा मौत का? कारण का तो अभी कोई खुलासा नहीं है, दवाई का है जो भी है। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना अस्पताल से मिली है, अस्पताल में डॉक्टर को लेके गए थे बच्ची को। पुलिस आई, पुलिस ने अपना पंचनामा भरा और गांव में बहुत शोक का माहौल है। मामला ये, एक बच्ची है हमारी 12-13 साल की, उसे रात में कोई दिक्कत हुई है क्या हुआ और उसके उसे लेके गए, हॉस्पिटल भी लेके गए, उसकी डेथ हो गई। पता नहीं किस तरह की सूचना पुलिस को लगी तो क्या हुआ, पुलिस को लगा कि लड़की की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, तो उसी के लिए पुलिस आई थी और पोस्टमार्टम के लिए उसको लड़की को लेके गई।